नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतारपुर बाईपास आजमगढ़, रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन, विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल लक्ष्मीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। पूर्व मंत्री RK चौधरी, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, पूर्व विधायक कालीचरण राजभर, पूर्व IPS अधिकारी गुरुबचन लाल, पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी, बीरेन्द्र सिंह सहित दूरदर्जन बसपा और कांग्रेस के नेता शुक्रवार के दिन लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष पार्टी में शामिल हो गए। आजमगढ़ के मेहनगर विधानसभा सीट से 2002 और 2007 में बसपा से विधायक रह चुकी विद्या चौधरी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से जिले में बसपा को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि विद्या चौधरी आजमगढ़ में बसपा की मजबूत नेत्री मानी जाती रही हैं। पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली के बाद विद्या चौधरी के बसपा छोड़ने से जिले में बसपा निरंतर कमजोर होती जा रही है। आपको बता दें कि विद्या चौधरी 1994 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी। 1994 में ही जिला मंत्री और जिला कोऑपरेटिव बैंक में निदेशक पद पर कार्यरत रहीं। 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मेहनगर सुरक्षित सीट से प्रत्याशी रहीं, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। इसके बाद 2002 और 2007 में लगातार दो बार वह मेहनगर से विधायक चुनी गईं। 2007 में प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार बनने पर वित्त मंत्री व महिला कल्याण राज्य मंत्री के साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र में बसपा नेता कलामुद्दीन की हुई हत्या के मामले में 6 नामजद में से पुलिस ने निवर्तमान प्रधान पति समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर लिया है। SP का कहना है कि कलामुद्दीन की हत्या की साजिश दुबई से रची गई थी। आपको बता दें कि 15 फरवरी की शाम को कलामुद्दीन स्कॉर्पियो गाड़ी से घर जा रहे थे। उसी दौरान कुछ बदमाशों द्वारा रास्ते में गाड़ी रुकवा कर गाली गलौज की गई और गाड़ी से उतार कर उनके ऊपर फायर कर दिया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हत्या के मामले में मृतक कलामुद्दीन के पुत्र फुरकान अहमद ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल गांव के ही निवर्तमान प्रधानपति रिजवान अहमद और एक अन्य मोहम्मद कासिफ को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मसरूर व अली शेर ने दुबई में रहकर एक सोची समझी साजिश व प्लानिंग के तहत 2 अज्ञात शूटरों व एक स्थानीय शूटर को हायर कर हत्या कराया था। SP ने बताया कि कलामुद्दीन एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, गांव में उसका आतंक था। उसके भय के चलते अली शेर व मसरूर, जो दोनों सगे भाई हैं, भागकर दुबई में रहते हैं। गांव में जो भी कलामुद्दीन का विरोध करता था उसका काम तमाम कर देते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में 1989 में जलालुद्दीन की हत्या कलामुद्दीन के आदमियों द्वारा की गई थी। इसी प्रतिशोध में 2012 में खुर्शीद की हत्या किया गया, जो कलामुद्दीन का सहयोगी था, जिससे नाराज होकर कलामुद्दीन ने 14 सितंबर 2020 को कामरान की निर्मम हत्या कराया था। 15 फरवरी को कलीमुद्दीन जब अपने घर जा रहे थे तो इनकी हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या में 6 लोग नामजद हुए थे, जिसमें कुछ लोग दुबई में हत्या के समय थे, वो 120वीं में थे, और बाकी लोग गांव के लोग थे। इसमें आज उस हत्या का पूरा खुलासा हुआ है, उसके कारणों का भी खुलासा हुआ है। इसमें 2 लोग, एक रिजवान और एक कासिफ, ये 2 लोग पकड़े गए हैं, और इनके पास से हत्या में प्रयुक्त 32 बोर का रिवॉल्वर भी, पिस्टल भी बरामद हुआ है। खोखे भी इनके पास से बरामद हुए हैं और कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। घटना के बारे में जब इनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो मृतक था कलमुद्दीन, ये आपराधिक प्रवृत्ति का था, और
दुबई में जो दुबई से जो अवैध कारोबार किया करते थे गांव के लोग, उनकी रंजिश के आधार पर पहले भी इस गांव में मर्डर हुए हैं। इसने कलीमुद्दीन ने पहले 1989 में एक मर्डर किया था अपने साथियों के साथ, और फिर दूसरा मर्डर 2020 में दूसरा मर्डर इसने किया, वो भी विपक्षियों का किया था, उसी रंजिश में इसका मर्डर किया गया। और इसमें जो जो दुबई से बैठ के जो कारोबार किया करते थे उसकी प्रतिद्वंदता के आधार पर ये मर्डर, पहले भी मर्डर हुए थे और अब भी मर्डर किया गया है। कुछ लोगों द्वारा ये प्रचारित किया गया था कि ये जो पार्टीबाजी की रंजिश के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसी कोई बात इसमें नहीं पाई गई है। और ये प्योरली मर्डर जो है वो गांव की रंजिश का है, जो इनकी प्रतिद्वंदता, जो इनकी जो कारोबार है उसकी प्रतिद्वंदता के आधार के ऊपर ये मर्डर किया गया है। देखिए उस पर सब जांच चल रही है, उस विषय में अभी जांच चल रही है, और क्या इनका कारोबार था, क्या लोग कहते हैं कि कुछ अवैध कारोबार था, कुछ हवाला का कारोबार था, लेकिन उस विषय में अभी जांच चल रही है, उस विषय में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो बात सामने आई है, जो आपस में बात आई, वो यही है कि इनके उस कारोबार के कारण ही ये मर्डर हुआ। ये इनकी CDR से भी एस्टेब्लिश हुआ है कि जो प्लानिंग हुई वो एक दिन पहले हुई और 15 तारीख को ये मर्डर हुआ। देखिए जो बाहर लोग बैठे हुए लोग हैं उनका एक प्रोसीजर है, और वो जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसके थ्रू वो यहाँ से गिरफ्तारी वारंट लेके जाएगा, और वो उसके आधार पर फिर इनका प्रत्यर्पण होगा और इनकी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें जो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ उसके पास से जो पिस्टल है वो बरामद हुआ है, और वो ही इसमें मानने वाला था, FIR में भी उसे ही मानने वाला दिखाया गया। ग्रामीण न्यायालय की स्थापना व अधिनियम के विरोध में लामबंद व आंदोलित अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को चर्च चौराहे पर चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के चक्का जाम के दौरान यात्रियों राहगीरों को अपनी राहें बदलनी पड़ी। मौके पर मुस्तैद रही पुलिस बल ने अस्थायी रूट डायवर्जन कर अधिवक्ताओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दिया। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय को अधिकारियों, अधिवक्ताओं व वादकारियों के लिए असुरक्षित बताया। कहा कि ग्रामीण न्यायालय में न्याय दबाव में होने की पूरी संभावना है। अध्यक्ष राम प्यारे सिंह ने कहा कि ग्रामीण न्यायालय को तहसील स्तर पर स्थापना करने का प्रस्ताव निंदनीय है। वहाँ न तो मजिस्ट्रेट के बैठने की व्यवस्था है, न तो अधिवक्ताओं वादकारियों के ही, यहाँ लॉकअप शौचालय भी नहीं है। अधिवक्ता अधिकारी मुख्यालय से आने जाने में हादसे व हमलों के भी शिकार हो सकते हैं। भ्रष्टाचार पनपेगा, गुणवत्तापूर्ण पैरवी नहीं हो सकेगी। स्थानीय दबंग हावी रहेंगे और मनमाने के तरीके से काम होंगे। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को तुगलकी फरमान बताया। आज जो है ग्रामीण न्यायालय जो है तहसीलों पर जो भेजने का फरमान तुगलकी फरमान हुआ है, उसी को वापस लेने के संबंध में यहाँ हम लोग कई दिनों से अनवरत हड़ताल पर हैं। अगर ग्रामीण न्यायालय चली जाएगी तो सबसे अधिक नुकसान वादकारियों को होगा। यहाँ से अधिवक्ता ले जाने में काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा। अधिवक्ता हो, वादकारी हो, अधिकारी हो, कोई सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर कोई एकोमोडेशन नहीं है, न कोई रहने की जगह है, न कोई पेशाब खाना है, न कोई लॉकअप है। और जो गांव का दबंग व्यक्ति होगा या वहां के जो लोकल नेता होंगे, लोकल चाहे वो विधायक हों चाहे MP हों, वह न्याय तो उन लोगों के दबाव में होने लगेगा कि कोई किसी को न्याय मिल ही नहीं सकता है। इस चीज़ का हम लोगों को विरोध है। इसके लिए हम लोग आज जो है धरना यहां किए हैं, आधा घंटा जाम। कल पूर्वांचल का सम्मेलन है, सम्मेलन में अगली रणनीति तय होगी और यह लड़ाई जारी रहेगी। आजमगढ़ के महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने चोरी के 3 बाइक के साथ 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। यह वाहन चोर विभिन्न स्थानों से बाइक चुरा कर उसका नंबर प्लेट बदल कर बेच देते थे। जिले के महाराजगंज कोतवाली की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति चोरी की बाइक लिए हुए हैं और किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं।
इस सूचना पर महाराजगंज कोतवाली की पुलिस परशुराम पुलिया पर पहुंची, तभी बिलरियागंज की तरफ से दो बाइक व एक एक्टिवा पर तीन व्यक्ति अलग अलग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वह भागने लगे। घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रणविजय महाराजगंज कोतवाली के जमालपुर गांव का रहने वाला है, जबकि गोपाल अतौरिया थाना क्षेत्र के सिरवा गांव का निवासी है। वहीं तीसरा आरोपी जितेंद्र कुमार कप्तानगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि यह लोग अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चुरा कर इसका नंबर प्लेट बदलकर उसको बेचने का काम करते थे। आज तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे तीन मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई है। ये शातिर चोर है, इनसे अभी पूछताछ की गई है और पूछताछ के दौरान इन्होंने जो लोग चोरी की मोटरसाइकिल लेते हैं उनके बारे में बताया, जो और इस तरह की घटनाएं करते हैं उनके बारे में बताया और कैसे ये मोटरसाइकिल को ठिकाने लगाते हैं और फिर आगे कैसे डिलीवरी होती है इसके बारे में इनके द्वारा पूरी चीज़ बताई गई है। अभी और इस संबंध में खोजबीन की जा रही है और अभी आगे जाके इसमें कुछ और गिरफ्तारियाँ हम लोग करेंगे। आजमगढ़ नगर के अग्रवाल बंधुओं का परिवार अग्रोहा धाम हिसार हरियाणा के लिए शुक्रवार के दिन धूमधाम से रवाना हुआ। अग्रोहा धाम की यात्रा पर रवाना होने के संबंध में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश संगठन मंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल लड्डू ने बताया कि यह यात्रा आजमगढ़ से चलकर 20 फरवरी को सुबह वृंदावन धाम पहुंचेगी, जहां बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थलों के भी दर्शन करने के बाद अग्रोहा धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। 21 फरवरी को महाराजा अग्रसेन द्वारा स्थापित अग्रोहा नगरी में भजन पूजन के साथ ही मुख्य स्थल के दर्शन होंगे, तत्पश्चात आजमगढ़ वापसी होगी। जनपद के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अग्रवाल समाज के लोग महाराजा अग्रसेन की नगरी में दर्शन पूजन करेंगे। इस यात्रा को श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, सुदर्शन दास अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, विवेक अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धाम जा रहे हैं वृंदावन बथुआ होते हैं अग्रोहा धाम। हम लोग का एम ये है कि हमारा जो महाराज अग्रसेन जी जो थे, हम लोग उनके धाम में कभी गए नहीं हैं, उनके मंदिर में, तो हम लोग जाके अपनी यात्रा वहाँ पूरी करें। एक प्रकार से ये पूरा धाम है। इसे आप क्या समाज को संदेश क्या देना चाहिए अपनी यात्रा से? समाज को ये संदेश दे रहे कि जो हमारे आजकल के बच्चे जो जानते ही नहीं है, उनको सब सारी चीज़ें याद दिलाई जाएँ और सबसे पहले हम लोग के जो पूज्य अग्रसेन जी हैं उनके धाम में हम लोग जाएँ, वहाँ पे देखें और अपने पूर्वज को जानें। कुछ बताएं और अग्रसेन जी का अग्रोहा ट्रस्ट है जो हिसार में है, अग्रोहा में, वो बहुत ही बड़ा है, करीब 250 एकड़ में है। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, एक अग्रोहा शक्ति पीठ है, एक अग्रोहा धाम है, एक अग्रोहा किला पीठ है, चार धाम वहाँ पे है। ट्रस्ट क्या काम करता है? ट्रस्ट इसके लिए बहुत काम करता है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे सब कुछ फ्री आपका होता है। जो भी बच्चे वहाँ मेडिकल में ट्रीटमेंट पढ़ते हैं और जितनी भी ट्रीटमेंट होती है सब फ्री आपका। सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए कि सबके लिए? सर समाज के लिए, सभी के लिए। सड़क व वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य को लेकर पुलिस अब एक नए ऐप का उपयोग करेगी। इस ऐप का नाम है आई रेड, यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, जिसमें हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और हाईवे अथॉरिटी भी संयुक्त रूप से काम करेगी। शुक्रवार को शहर कोतवाली और सिधारी थाने में ऐप का ड्राई रन सम्पन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल ने बताया कि ऐप के जरिए यह एनालिसिस व फाइंड आउट किया जाएगा कि किन किन कारणों से दुर्घटनाएं हो रही हैं या हुई है, गलती व क्षति का भी आकलन होगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए एक डाटाबेस तैयार कर सड़क हादसों को रोकने का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। आई रेड ऐप का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, उसी का डेमो था। जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो मौके पर ही आई रेड ऐप के द्वारा उनको फीड किया जाएगा सूचनाओं को, दुर्घटनाएं किन कारणों से हुई, किन वाहनों से हुई, किसकी गलती थी, क्या नुकसान हुआ है। इसमें अनेक प्रकार की ऐसी बिंदु है, पॉइंट है, सूचनाएं जिनको सम्मिलित किया जाएगा और फिर इसका विश्लेषण होगा कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। जनता को सर किस तरीके से इसका जागृत किया जाएगा? सर देखो, जनता को जागृत किया जा रहा है यातायात मार्ग तहत भी कि जो भी दुर्घटनाओं कारण है उनसे बचें और यातायात सुरक्षा उपाय अपनाएं, हेलमेट, सीट बेल्ट, कम लाइट में फॉग लाइट प्रयोग करें कोहरे में, इस टाइप को। इसी प्रकार से तमिलनाडु में उनका भी रिसर्च किया, जागरूकता अभियान 4-5 साल चलाया तो उनके लगभग 25% मौतें दुर्घटनाओं में कमी आई है। अब इस आई रेड को हम पूरे इंडिया में और यूपी में भी लॉन्च हो गया है, इसको हम प्रयोग करेंगे। हेलो सर, बधाई हो, आप लकी ड्रा के लकी विजेता
चुन लिए गए हैं और आपने जीत ली है फला रकम फला कार। जैसे फ्रॉड कालों के झांसे में जैसे ही व्यक्ति आता है तो फिर उसके साथ ठगी का एक सिलसिला शुरू हो जाया करता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है रानी की सराय थाना क्षेत्र के जलाईपुर गांव के निवासी इस युवक के साथ। इनका नाम राजेश सिंह है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने पहुंचे राजेश सिंह ने बताया कि केबीसी के नाम पर ठगों ने इनसे अलग अलग तारीखों व अकाउंट में 36,200 रुपए जमा करा लिए। 25 लाख का सपना दिखा जब ठग इनसे नए नए कारण बताकर पैसे ऐंठने लगे तो इन्हें खुद को ठगे जाने का एहसास हुआ। सात ठगों के झांसे में आए राजेश सिंह ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की, अपनी गाढ़ी कमाई उनके पास से निकलवाने की गुहार लगाई। साथ ही लोगों से भी यह अपील की कि ऐसे किसी भी झांसे में ना आए जैसे वे फंसे कोई और न फंसे। सर मामला ये है कि मेरे पास 17 तारीख को शाम को 6:30 बजे एक कॉल आया KBC से, जिसने अपना नाम बताया विजय कुमार। उसने मुझे एक नंबर दिया जो बोला कि राणा प्रताप सिंह है, जो अमिताभ बच्चन साहब के राइट हैंड है, जो हेड कैशियर है, उनका मुझे नंबर दिया गया, उनसे बात किया गया। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी आ गई है आपके नंबर पे। मुझे एक अकाउंट नंबर भेजा गया राणा प्रताप जी ने दिया, उनका नाम था अरुण कुमार। उनके अकाउंट में 11,200 चेक का टैक्स जमा करवाया गया। उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद एक कॉल राणा प्रताप जी का फिर आया, 25,000 रुपये इनकम टैक्स जमा करवाया गया क्योंकि आपकी इतनी बड़ी रकम है, ये कहकर 25,000 उन्होंने जमा करवाया कि आपके अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद फिर राणा प्रताप जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट बहुत छोटा है, सेविंग अकाउंट है, आपको जनरल अकाउंट करवाने के लिए आपको 50,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, ये अमाउंट आप पेड कर दीजिए, जिसके तहत आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए का चेक क्रेडिट कर दिया जाएगा विद इन 5 मिनट में। उसके बाद आज सुबह फिर मेरे पास कॉल आई है कि सर आप पैसे का व्यवस्था करके जमा करवाइए और आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए दे दिया जाएगा। मैं सर एक स्टूडेंट होने के नाते फिर भी मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि KBC मोदी साहब और अमिताभ बच्चन साहब के साझे से ये कार्य अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि अब तो मैं तो फंस गया हूँ, बाकी आगे और कोई मेरा भाई इस झांसे में ना फंसे। मैं निवेदन करता हूँ कि जो मेरे पैसे गए हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा उनको देने की कृपा करें और मेरे पैसे वापस करवाने के निर्देश। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थाई पेसमेकर व अस्थाई पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।